गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडियोलॉजिस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपके वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज यूजुअल आप सबको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस। ठीक है, हर एक एग्जाम में अलग अलग वेटेज रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस को समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आसपास के फिनोमिनाज है, साइंस इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो जनरल साइंस में वही सब चीज़ें हैं कि हमारे आसपास जो है हो क्या रहा है, वो सब हमें इसमें देखना है। वही हम देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जो है फिजिक्स फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स में अभी हम जो है लाइट लाइट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, आप अपने आप को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज के लिए, दैट इज www.edologisteelearning.com। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। बैंक, SSC, HSSC, स्टेट लेवल, रेलवे, ये सब कोचिंग आपको अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ NDA, CDS, एयर फोर्सेस, आर्मी और नेवी की कोर्सेज भी जो है कोचिंग जो है वो भी अवेलेबल होगी। GS का जनरल स्टडीज जो है उसका एक स्पेशल बैच जो है वो लेकर आए हैं हम। अभी इसमें हम जो है दो सब्जेक्ट्स को लेकर आए हैं, दैट इज ज्योग्राफी एंड साइंस। ज्योग्राफी और साइंस जो है इसमें चल रहा है। अगर अभी आप इसको खरीदते हैं तो ये सिर्फ आपको 499 रुपये में मिलेगा। वैसे इसका प्राइस जो है 1000 है, लेकिन अगर आप अभी इसको खरीदेंगे तो 499 में आपको मिल जाएगा। इसमें जो है हम लगभग 9000 से लेकर 10000 प्लस MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs बेस्ड ये बैच चल रहा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में ये बैच होगा, तो आप अवेल कर सकते हैं इस बैच को। गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की, साइंस के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एजर्शन ए आपको गिवन है। एजर्शन ए क्या कह रहा है? एजर्शन ए गिवन है, स्मॉल ग्लास बीड फिक्स्ड ऑन ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल अपॉन देम। ठीक है, छोटे छोटे ग्लास के बीड्स लगे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में, वो क्या करते हैं जब जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, ब्राइटली क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, है ना, ग्लो करते हैं ब्राइटली। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या है, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो फिनोमिने की यहाँ पर बात हो रही है वो उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यहाँ पर बात हो रही है। जो स्मॉल ग्लास के बीड्स हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पर लगे होते हैं वो क्या है, डेंस मीडियम है। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन थी। सबसे पहला तो कि लाइट जो है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करनी चाहिए, सबसे पहला तो यही था, लाइट शुड बी मूव फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, कहां से कहां तक, डेंस टू रेयर मीडियम, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है वो प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब लाइट जिस एंगल से सतह से टकरा रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय, अपवर्तन होने की बजाय, उसका क्या है, एक ऐसा एंगल आ जाएगा, एक ऐसा कोण आ जाएगा जहां पे आपकी जो लाइट है, ठीक है, रिफ्रैक्शन देखिए हम सबको पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तब उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन क्या होगा जब लाइट जो है रिफ्रैक्शन की बजाय टोटली क्या हो जाए, उसका उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, उसका परावर्तन हो जाए, अपवर्तन की जगह परावर्तन हो जाए, तो उस कोण को कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यू। क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू। तो देखिए दोनों यहां पर बिल्कुल सही है। स्मॉल बीड्स जो है वो क्या है, डेंस मीडियम होंगे, तो लाइट क्या करेगी, रेयर से डेंस मीडियम से, डेंस मीडियम होंगे, डेंस टू रेयर जो है लाइट जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड आर आर True and R is the correct explanation of A. दूसरा भी आप देख सकते हैं, light is totally reflected when angle of incidence exceed the certain value. ठीक है, angle of incidence क्या हो जाए, critical value से ज्यादा हो जाए, तब light जो है वो dense medium से rare medium में क्या करती है, reflect हो जाएगी। तो यहां से reason R भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो A is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. लाइट इज मेड ऑफ सेवन कलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर. ठीक है, लाइट जो है सात रंगों से बनी है. विबग्योर, विबग्योर इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है विबग्योर. अब यहाँ पे बात हो रही है कि सात रंगों से बनी है, तो इन रंगों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं. पहला देखिए, द कलर कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के माध्यम से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है. दूसरा देखिए, द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर, फिल्टर से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है. तीसरा देखिए क्या है, द कलर कैन बी सेपरेटेड बाय प्लांट, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है. ठीक है, द कलर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्लांट्स, पौधों से अलग अलग करते हैं. द कलर कैन नॉट बी सेपरेटेड, रंगों को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता. देखिए, हम सबको पता है कि जब हम एक प्रिज्म, 9th 10th में हम सबने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम प्रिज्म को जो है सूरज की रोशनी में रखते थे, और प्रिज्म जो क्या करता था, सूरज से आने वाली जो लाइट है उसको 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता था, सात रंगों में जो है उसको विभाजित कर देता था. तो प्रिज्म ए इज द राइट आंसर, कि जो कलर है कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं, रंगों को अलग अलग कर पाएंगे. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर इन रेनबो इज, रेनबो के इंद्रधनुष में सही क्रम क्या है. तो सही क्रम वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, विबग्योर से आप इसको याद रखेंगे, विबग्योर. ठीक है, तो दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द कलर. अब देखिए यहां पे क्या है, हमें दे रखा है ब्लू ग्रीन वॉयलेट, वॉयलेट ग्रीन ब्लू, ब्लू येल्लो ग्रीन, ब्लू ग्रीन येल्लो. तो देखिए क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ब्लू ग्रीन येल्लो. ये देखिए ब्लू ग्रीन एंड येल्लो, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ब्लू से स्टार्ट होगा और येल्लो तक जाएगा, है ना. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, डी जो है सही उत्तर रहेगा. इस सीक्वेंस को आप लिखे, कोई भी तीन कलर उठा सकता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू उठा सकता है, ब्लू येल्लो रेड उठा सकता है, कोई भी कलर उठा के आपको सीक्वेंस पूछ लेगा, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेनबो जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, जब सनलाइट फॉल करती है किस पे, बारिश की बूंदों पर, ड्रॉप ऑफ द रेन. ऑब्वियसली बात है, जब रेन होगी, बारिश होती है, तभी हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है. तो सूरज की किरणें क्या करती है, जो बारिश की जो बूंदे हैं उन पर जो है पड़ती है, तो क्या होगा, क्या होगा, कौन कौन से फिनोमिनाज होंगे जिसकी वजह से इंद्रधनुष बनेगा. पहला है डिस्पर्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, परिक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑकर व्हेन द रेनबो इज फॉर्म्ड. दूसरा देखिए रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन भी होगा. तीसरा देखिए इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा. तो ये तीनों के तीनों फिनोमिना होंगे, याद रखिएगा. रेनबो के अंदर डिस्पर्शन भी होता है, डिस्पर्शन होगा एंड रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा एंड टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीन फिनोमिना होंगे, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा. रेनबो से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है. तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, कि इनमें से सभी जो है क्या है, सही रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन द मिडल ऑफ द रेनबो, रेनबो के मध्य में कौन सा रंग होगा. तो विबग्योर, वही सीक्वेंस लिखिए, विबग्योर, मध्य में कौन सा कलर है, ग्रीन. ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, ग्रीन जो है, ग्रीन कलर होगा, हरा रंग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टर्मिनल कलर बैंड ऑफ द रेनबो आर, इंद्रधनुष की दोनों सीमाओं में कौन से कलर हैं. ठीक है, तो वही विबग्योर, रेड एंड वॉयलेट, कौन सा है, वॉयलेट एंड रेड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वॉयलेट एंड रेड, जिसमें से वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है. वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे कम है, और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वॉयलेट की क्या है, सबसे ज्यादा है, रेड की सबसे कम है. एनर्जी की बात करें तो वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन रेड की एनर्जी सबसे कम रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या है, इन विच डायरेक्शन रेनबो इज सीन एट 12 noon, दोपहर 12 बजे किस दिशा में जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है. ठीक है, पहला ऑप्शन है इन द वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम में, यहाँ पे 12 बजे की बात हो रही है, 12 noon. ठीक है, 12 बजे की बात है.
इन द साउथ दक्षिण में दिखाई देगा, इन द ईस्ट पूर्व में दिखाई देगा, या इट कैन नॉट बी सीन, इसे देखा नहीं जा सकता। देखिए 12 बजे की बात है और रेनबो जो है 12 बजे नहीं होगा, सो इट कैन नॉट बी सीन, यह देखा नहीं जा सकता। ठीक है, सिर्फ रेनी सीजन जो होगा हमारा तभी जो है हम इंद्रधनुष देख सकते हैं, क्योंकि सूरज की लाइट जब कहां पर गिरती है, कहां पर फॉल करती है, बारिश में की बूंदों पर फॉल करती है, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा आंसर, इट कैन नॉट बी सीन, इसे देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन ए, अ स्टिक इज डिप्ड इन वॉटर इन अ स्लैंटिंग पोजिशन। ठीक है, एक स्टिक जो है उसको डिप किया गया है स्लैंटिंग पोजिशन में, अ स्टिक इज डिप्ड इस तरीके से उसको डिप किया गया है। द स्टिक अपियर शॉर्ट एंड बेंट एट द सर्फेस ऑफ द वॉटर, यहाँ पे वॉटर के सर्फेस पर वो इस तरीके से मुड़ी हुई दिखती है। अगर आप क्या करें, ये वॉटर का सर्फेस है, यहाँ आपने इसको डिप किया है, तो वो इस तरीके से आपको मुड़ी हुई दिखेगी, इस तरीके से क्या करती है, वो मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये अजर्शन है। दूसरा देखिए, रीजन आर क्या गिवन है, अ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टिक अंडर गो स्कैटरिंग फ्रॉम वॉटर मॉलिक्यूल्स गिविंग द स्टिक अ शॉर्ट एंड बेंट अपियरेंस। कि एक लाइट जो है वो क्या आ रही है, स्टिक से आ रही है, वो क्या करती है, पानी जो है उसको क्या करता है, स्कैटर कर देता है। जो लाइट स्टिक से आएगी, पानी उसको क्या करेगा, स्कैटर कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, हमें शॉर्ट और बेंट दिखती है। ये गलत है। जो हमें जो स्टिक, जो अगर आप किसी भी ग्लास के अंदर या पानी के ग्लास के अंदर पेन या पेंसिल डालेंगे, तो वो आपको क्या दिखेगी, मुड़ी हुई दिखेगी। अगर आप उस कांच के ग्लास के बाहर से देखेंगे, वो होगा रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन ऐसा क्यों होगा, देखिए जब लाइट जो है रेयर माध्यम से डेंस माध्यम में जाएगी, सरल माध्यम से विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी, तो वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुकी हुई लगती है। देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट एंटर हुई, ये क्या हुआ, रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंस मीडियम है, मतलब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रही है, तो ये थोड़ी सी क्या हो जा रही है, नॉर्मल की तरफ झुकी हुई आपको लगती है। इस तरीके से नॉर्मल इस तरफ से जाना है, ठीक है, इस तरीके से जानी थी, लेकिन क्या करती है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुकी हुई लगती है ना। तो रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से हमें जो है क्या होता है, दिखाई देता है। तो रीजन आर गलत हो गया, ए सही है। आंसर क्या रहा हमारा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ अ पर्सन लुक एट अ कॉइन विच इज इन द बकेट ऑफ वॉटर द कॉइन विल बी अपियर टू बी क्लोजर देन इट रियली इज। अगर एक पर्सन जो है, एक पानी की बाल्टी है, बकेट है, उसके अंदर आपने एक सिक्का डाला हुआ है, कॉइन डाला हुआ है, अगर हम उसको क्लोजली देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा क्लोज दिखता है, पास दिखता है, ये बात बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए क्या है, इफ अ पर्सन अंडर वॉटर लुक एट अ कॉइन अबोव द वॉटर सर्फेस कॉइन विल अपियर टू बी हाइयर लेवल देन इट रियली इज। ठीक है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति हो और वो तल पर देखता है और बाहर कॉइन है उसके तल पर, तो वो उसे अपने वास्तविक स्थल से भी अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इन दोनों का रीजन क्या है, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन है इसका रीजन। तो दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एयर बबल इज एक्ट लाइक, एयर बबल जो है वो किसकी तरह काम करता है, किसकी तरह दिखाई देता है। पहला है कन्वेक्स मिरर की तरह, दूसरा है कन्वेक्स लेंस की तरह, तीसरा है कनकेव मिरर की तरह, और चौथा देखिए कनकेव लेंस की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर बबल जो है वो किस तरीके से दिखाई देता है, पानी का जो बुलबुला है, एयर बबल इन वॉटर, वो किसकी तरह दिखाई देगा, वो दिखाई देता है कनकेव लेंस की तरह। किसकी तरह, कनकेव लेंस की तरह। और कनकेव लेंस जो है वो है डाइवर्जिंग, कनकेव लेंस जो है वो कौन से हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, वो है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब होता है अपसारी। ठीक है, और जो कन्वेक्स लेंस होंगे, अवतल लेंस होंगे, जो अवतल लेंस होंगे वो कौन से होंगे, कन्वर्जिंग, मतलब अभिसारी। मिरर इसका उल्टा होगा, जो मिरर होंगे वो इसका उल्टा होंगे। ठीक है, दर्पण इसका उल्टा होंगे। डाइवर्जिंग, अब यहां पे मिरर की बात करेंगे, कनकेव मिरर,
अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा, अभिसारी होगा। अगर कन्वैक्स मिरर है तो कन्वैक्स मिरर क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा, अपसारी होगा। कन्वर्जिंग क्या है? जो विभिन्न डायरेक्शन से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर क्या कर दे? कन्वर्ज कर दे, ठीक है, उसे अभिसारी कहा जाएगा। डाइवर्जिंग क्या होगा? जो एक बिंदु से प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला दे, उसे क्या कहा जाएगा? डाइवर्जिंग, ठीक है। तो लेंस और मिरर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर बबल जो है, जो पानी में जो एयर का बुलबुला है, वो किसकी तरह एक्ट करता है? वो कनकेव लेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह? कनकेव लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एन एयर बबल इन साइड वॉटर बिहेव एज, ठीक है, वही बात है कि एक एयर बबल है पानी का, उस वो किसकी तरह बिहेव करता है? बायफोकल लेंस की तरह, कन्वर्जेंट लेंस की तरह, डाइवर्जेंट लेंस की तरह और सिलेंड्रिकल लेंस की तरह। तो बिल्कुल कनकेव लेंस की तरह काम करता है। और कनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू, ठीक है, प्लेन की कितनी मिनिमम हाइट आपको रखनी है? प्लेन मिरर है आपके पास, उस प्लेन मिरर की कितनी हाइट आपको रखनी है कि आपको एक पर्सन की, एक व्यक्ति की पूरी हाइट जो है दिखे, फुल साइज उसका दिखे। हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर देखनी है। हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की हाइट के आधा होना चाहिए। वन फोर्थ द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई हो। या फिर डबल द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई का दोगुना हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिरर की हाइट हमेशा व्यक्ति की हाइट का आधा होनी चाहिए अगर आपको उस व्यक्ति की फुल हाइट, फुल साइज जो है देखना हो। तो क्या रहेगा आंसर हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कितना होगा? जीरो होगा, एक होगा, अनंत होगा, या फिर एक और इन्फिनिटी के बीच में होगा? तो आंसर रहेगा इनफाइनाइट। याद रखिएगा, प्लेन मिरर की यहां पर बात है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है? अनंत रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम हाइट ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द होल स्टैंड अप इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट 150 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर हाइट का एक पर्सन है, तो हमें जो है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिरर की, दर्पण की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए अगर हमें जो है 1.50 मीटर का पूरा आदमी देखना है? तो हमने बात करी थी कितनी होनी चाहिए, हाफ, आधी होनी चाहिए ना। जब आप इसका आधा करेंगे तो दिस इज 0.75 मीटर। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा आंसर? ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दूर दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष में याद रखिएगा, दूर की चीजें साफ दिखती हैं लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है, दूर की चीजें साफ दिखेंगी लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखेंगी। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है, याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। एक पर्सन है जो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है, सफर कर रहा है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। द पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट, व्यक्ति को दूर के पिंड जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है, दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। दूसरा देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेंस का जो नाभ्यांतर है, फोकल लेंथ है, वो ज्यादा होनी चाहिए। इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, ये बिल्कुल सही बात है, जो पास की जो वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती। रीजन क्या है कि जो पास की वस्तुएं हैं उनका जो प्रतिबिंब है, उनकी जो इमेज है, वो रेटिना के पीछे बनती है ना, रेटिना के पीछे बनेगी, रेटिना पर नहीं बनेगी, तो इसीलिए हम वो जो पास की चीजें हैं वो साफ नहीं दिखाई देंगी। तो दैट्स वाई इट इज द हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो ये भी ठीक है,
लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस इफेक्ट. इसको कनकेव लेंस से सही किया जा सकता है जो कि गलत है. इसको कन्वेक्स लेंस के साथ सही किया जाएगा. किसके साथ? कन्वेक्स लेंस के साथ. ठीक है जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू मिनिमाइज द मायोपिया. मायोपिया, अब मायोपिया क्या है? मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को. निकट दृष्टि दोष, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मायोपिया. निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाएगा? मायोपिया कहा जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कंकेव लेंस का. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसमें आपको जो पास की चीजें हैं वो साफ दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देंगी. तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? कंकेव लेंस का. नेक्स्ट देखिए क्या है. अ मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ. ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कंकेव लेंस के द्वारा. बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय. मायोपिक या निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कन्वेक्स लेंस के द्वारा, कनकेव के द्वारा, सिलेंड्रिकल के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं. तो किसके द्वारा ठीक करते हैं हम? कनकेव लेंस के द्वारा. ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा. नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू अ डार्क रूम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट एरिया. जब आप क्या, कई बार क्या होगा, आप सूरज की बहुत तेज लाइट है वहां से आप सीधा एक अंधेरे वाले कमरे में प्रवेश करेंगे, तो ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको चीजें जो है बिल्कुल साफ दिखाई देंगी. तो उसका रीजन क्या है? पहला देखिए, चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, पुतली के आकार में परिवर्तन होगा. दूसरा देखिए क्या है, चेंज इन द डायामीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. लेंस के व्यास व उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होगा. ठीक है, चेंज इन द डायामीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ब्लीचिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द रोडोपनीज. रोडोपनीज का विरंजक होना या फिर पुनः विरचन होना. और लास्ट है, आईज बिकम फैमिलियर विद द डार्कनेस इन कोर्स ऑफ टाइम. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. और बिल्कुल सीधा सा आंसर है, आईज जो है फैमिलियर हो जाती है डार्कनेस की इन द कोर्स ऑफ टाइम. आंखें जो है, आंखों का अंधेरे के प्रति धीरे धीरे क्या हो जाता है? अनुकूलन हो जाता है. आप लाइट से एकदम डार्क रूम में आएंगे तो धीरे धीरे आपकी आंखें जो है उतने लाइट के लिए भी क्या हो जाएगी? अडप्ट कर लेंगी. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, रीडिंग ग्लासेस जो है वो किसके बनाए जाते हैं? रीडिंग ग्लासेस जो है वो किसके बनेंगे? पहला ऑप्शन देखिए किसके बनेंगे, कनकेव के, अवतल के. दूसरा है कन्वेक्स के. तीसरा है प्लेन के. और चौथा रहिए नन ऑफ दीज. तो किसके बनेंगे? कन्वेक्स के बनेंगे. ठीक है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के बनेंगे. और कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग है, याद रखिएगा, कन्वर्जिंग है. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसीलिए क्या है, पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रीडिंग ग्लासेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फोकसिंग ऑफ इन द आई इज डन बाय. आंख में संकेंद्रण किस तरीके से होता है? फोकस किया जाता है आंख के द्वारा, तो वो किस तरीके से किया जाता है? चेंज इन द कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, जो हमारी आंख का लेंस है उसकी उत्तलता में परिवर्तन करना. ठीक है, उसकी कन्वेक्सिटी में परिवर्तन करना. टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द लेंस, लेंस की आगे पीछे की गति के द्वारा. टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द रेटिना, रेटिना की आगे पीछे की गति के द्वारा. चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई फ्लूड, आंख का जो तरल का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, उसमें परिवर्तन के द्वारा. तो देखिए, फोकस जो किया जाता है आंख के अंदर वो किया जाता है चेंज इन द कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा. तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन अराइजिंग ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये बात बिल्कुल सही है, हमने मिराज के बारे में भी बात करी थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी बात करी थी. तो जो हमारे पास मृग तृष्णा है या मृग मरीचिका है, मिराज इज, इट इज कॉल्ड मिराज, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होगा. उसके बाद देखिए, कनकेव मिरर आर यूज इन द सर्च लाइट. सर्च लाइट में क्या है? कनकेव मिरर का इस्तेमाल हो जाता है. बिल्कुल सही बात है, सर्च लाइट है उसमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल होगा. हेडलाइट है, जो व्हीकल्स है उनकी हेडलाइट होगी, उनमें भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल होगा. इन समर
व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ आर प्रेफर्ड टू डार्क कलर्ड क्लोथ जनरली। गर्मियों में हम क्या करते हैं, व्हाइट कलर के या फिर जो हमारे लाइट कलर क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स जो हैं सामान्य जो हल्के रंग के जो कपड़े हैं उनको प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू द डार्क कलर। लास्ट है हमारे पास, ये भी सही है, ये भी सही है, तो लास्ट ही ऑब्वियस ही बात है डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। कन्वेक्स मिरर विद अ स्मॉल ऑपरेटस इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर टू एग्जामिन द ईयर नोज थ्रोट ऑफ अ पेशेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर जो है वो आंख नाक और गला चेक करने के लिए किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कन्वेक्स मिरर नहीं होगा, वो होगा कनकेव मिरर। क्या होगा? कनकेव मिरर। रीजन, कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो डी इज दी राइट आंसर, डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द मिरर विच इज यूज इन सर्च लाइट इज, सर्च लाइट में किस मिरर का इस्तेमाल होगा, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है जी, सिंपल मिरर का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो किस मिरर का इस्तेमाल होगा, कनकेव मिरर का। ऑप्शन ए जो है क्या होगा हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट विजन के लिए अगर आपको किसी चीज को स्पष्ट रूप से देखना है तो न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर में बात हो रही है, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर या फिर 75 या फिर 100। कहते हैं ना कि स्पष्ट, अगर आपको कोई बुक पढ़ रहे हैं आप तो लगभग इतनी दूरी जो है चाहिए ही चाहिए कि आपको जो है चीजें स्पष्ट रूप से दिखें। आप बहुत ज्यादा पास बुक को लेके आएंगे, किसी भी चीज को लेके आएंगे, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देगी, तो वो दूरी जो है वो होनी चाहिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर की। मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। तो क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइट के 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, कल भी जो हम लाइट के और अदर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और अदर ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लाइट काफी लंबा चैप्टर है लेकिन इसके इस पर जो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं वो मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम रहेंगी, क्योंकि सब कुछ डेली यूज से ही रिलेटेड है। ठीक है, हम देख नहीं पाएंगे, लाइट जो है नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कल हम फिर अनदर 25 MCQs को डिस्कस करेंगे ऑन लाइट। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।